नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। साथियों देखिए, आज का टॉपिक है बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो होगा वर्णमाला। साथियों आपने देखा होगा एक परिभाषा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये प्रश्न सीधा ही आ जाता है कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में। देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण कह लीजिए या साथियों अक्षर कह लीजिए, एक ही बात है। साथियों वर्ण यानी जो वर्ण है, वर्ण की परिभाषा है शब्द या भाषा। भाषा वह शब्द की वह छोटी छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। साथियों से क है, ख है, ग है आदि, ये क्या है? वर्ण होते हैं साथियों। अगर इनके हम टुकड़े कर देंगे तो कोई अर्थ से स्पष्टता है क्या? नहीं। ये साथियों ये छोटी छोटी इकाई होती है, जिसके खंड करें तो उसका कोई वर्ण, कोई मतलब शेष नहीं बचता। साथियों देखिए, आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा साथियों, अभी यूपी जो पुलिस में आया था एक प्रश्न कि वर्णों के कुल भेद कितने होते हैं। तो साथियों आपको यदि नहीं पता है इस तरह बन के आते हैं प्रश्न, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। एक होता है साथियों स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इनको इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। साथियों ये देख लेना, स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। ठीक है साथियों, स्वरों के को वैसे तो मूल रूप से दो ही भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो मूल स्वर या हृदय स्वर या लघु स्वर होते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 बताई गई है और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 7 बताई गई है। तो साथियों टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। लेकिन एक प्रश्न आता है साथियों सेकंड ग्रेड वगैरह में या थोड़ी बड़ी परीक्षा में आता है कि संधि के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो साथियों संधि के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। कितने हैं साथियों? 3 भेद हैं। तो वो इस प्रकार हैं, देखिए, मूल स्वर, हृदय स्वर या मूल हृदय स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या 4 बताई गई है साथियों संधि के आधार पर। दीर्घ स्वर आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं 3 दीर्घ स्वर होते हैं संधि के आधार पर साथियों। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं साथियों। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं साथियों। अब आपने देखा होगा नोट, हिंदी में टोटल कितने स्वर बताए हमने? 11 साथियों, 11 स्वर होते हैं टोटल। अब बात करते हैं हम हिंदी में इन, देखो आपने बहुत YouTube पर देखे होंगे, वो जो मुख्य मुख्य बातें उनको बता देते हैं, केवल जो अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको कोई नहीं बताता है। देखिए साथियों हमने इसमें पूरा बताने की कोशिश की है। देखिए आपने सुना होगा संवृत्त स्वर क्या होते हैं, खूब पेपर में बहुत बार आते हैं, सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं हम, या हम रीट वगैरह या एस्टेट वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं या जीडी की परीक्षा दे रहे हैं, इनमें बार बार पूछ जाते हैं संवृत्त। साथियों इन्हें आप देख लेना आसानी से, उच्चारण के समय मुख कम खुलता है वो संवृत्त स्वर होते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ओ। आराम से बोल के देखा, कम खुल रहा होगा, ये होगा संवृत्त। अगला है अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त का मतलब यानी उच्चारण के समय मुख संवृत्त से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्धसंवृत्त थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ, ये होते हैं। देखिए ए और ओ, ये वाला एक मात्रा इसमें, ये वाला। देखिए साथियों अगला है विवृत स्वर। विवृत स्वर साथियों, जो विवृत स्वर है ये दे रखा है, उच्चारण के समय मुख अधिक खुलता है। जो उच्चारण के समय यदि बोलने वाले का मुख अधिक खुल रहा है तो वो कौन सा स्वर होगा? विवृत स्वर होगा, और वो होगा आ। आप बोल के देखना, आ खुल रहा है बिल्कुल। आगे देखेंगे अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का मतलब है विवृत से थोड़ा कम खुलता है। साथियों विवृत से थोड़ा कम खुलता है, तो जैसे ओ बोलो, ओ आया ना, ओ ओ बोलते हैं, ओ होता है ये वाला। प्लेतु स्वर, प्लेतु या इसे त्रैमात्रिक स्वर ही बोलते हैं साथियों, बार बार पेपर में पूछ जाता है, जिन वर्णों को बोलते समय त्रिगुना समय लगता है, तीन गुना समय लगता है, वो होते हैं प्लेतु स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। इनका जो टेग है वो ये है, ये वाला, ये इससे इसे इंगित करते हैं साथियों। इसके लिए हम, जैसे आपने सुना होगा, आप आता है जैसे ओम भूर्भुवस्सः, तो ओम होता है, ओम का उच्चारण प्लेतु स्वर से होता है साथियों। देखिए साथियों आगे हम देखेंगे इसमें, ये दे रखा है व्यंजन। अभी तक हम स्वरों के बारे में बात कर रहे थे, टोटल स्वर कितने हैं, फिर उनको किस तरह से उच्चारण स्थान बांटा गया है वो हमने आपको बताया। अब बात करेंगे व्यंजन की। साथियों वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, नो टेंशन, लेकिन आपको पूरा तो मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है थोड़ा सा डाल देते हैं और हम भी हो गए यूट्यूब पर। तो साथियों पूरा देखना वीडियो,
आगे हमने सबकी ट्रिक बनाई है, इतनी शानदार ट्रिक बनाई साथियों, आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। देखिए, व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की कुल संख्या साथियों 33 बताई गई है हिंदी में, आपको पता होगा क्योंकि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 है। तो देखिए साथियों मैंने इनको कैसे बांटा है, देखना। पहला है साथियों स्पर्श या स्पृष्ट वर्ण, इनकी संख्या आप इसके ट्रिक के माध्यम से कम शब्द लिख लेना, कम। कैसे मैथक, कैसे मैथक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन होते हैं साथियों। बहुत बार पूछते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5, 20, 25, 30, तो 25। देखिए साथियों आपको मैंने ये लिखा है ना ऊपर, हम नंबर अंकित किए हैं, इनका अंक जो डिवाइडेशन है, एक नंबर पाएगा, दो नंबर पाएगा, तीन पे, चार पे, पाँच पे, ऐसे लिख दिया। बाकी इनको वर्गों के हिसाब से लिख दिया, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो साथियों कुल ये 25 हो जाते हैं। ये क है ऊपर वाला और ये मैं है यहाँ तक, इसलिए हम कम कह देते हैं। देखिए साथियों ये लिखा है कैसे मैं तक 25 वर्ण होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है पेपर में। अगला है इसमें एक होता है साथियों अंत्यस्त, अंत्यस्त वर्ण। साथियों अंत्यस्त वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, बहुत बार पेपर में आता है साथियों, एक वर्ण दे देंगे यर लेवे में से पूछ लेंगे इनमें से कौन सा अंत यानी अर्धस्वर है, तो ये यर लेवे अर्धस्वर भी होते हैं साथियों। अंत्यस्त जो वर्ण है इनकी संख्या 4 बताई गई है, ये रे ले वे। साथियों बहुत बार पेपर में पूछ जाता है ये कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा है या कौन सा युग्म है जो किसको दर्शा रहा है, अंत्यस्त व्यंजनों को। देख लेना साथियों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब साथियों ये हैं, ये भी 4 होते हैं, स स स और है। देखिए साथियों स स स और है, ये होते हैं साथियों 4 ऊष्म व्यंजन। तो साथियों 25 और 8 कितने हो जाते हैं, 33। तो टोटल जो व्यंजन है उनकी संख्या हो गई साथियों 33। हमने अब स्वर प्लस व्यंजन, तो 11 प्लस 33 बराबर 44। तो साथियों 44 वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 है। साथियों अलग से कुछ प्रश्न आते हैं वो देखना, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग वीडियो बना देते हैं जैसे संयुक्तों के अलग, तो हमने संयुक्त स्वर भी इसी में दिए गए हैं। देखिए साथियों आपने सुना होगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हैं, इनमें संयुक्त स्वर होते हैं 4, 6, प्र, ग और स्र। साथियों देखिए छ, त्र, ग और स्र, ये स्र, ये होते हैं साथियों 4। देखिए अगर आप इसे देखेंगे ये बनते किस किस से हैं, दो छह है ये बनता है क और स से, इस तरह से जो इसमें क हलंत होता है साथियों, ये देख लेना। जो ये त्र है ये बनता है त से हलंत और र से, ये देखिए साथियों अलग अलग हैं ये, यहाँ से कट्टा से ये देखिए, ये क्या है जो गे ज्ञानी है जो गे बोलते हैं ये बनता है जय और ये से, ठीक है साथियों इस तरह से ये हलंत है ये जय। देखिए अगला है स्र, स्र है ये स से इस तरह और र से, इनसे ये मिलके बनता है। तो देखिए साथियों देख लेना कई बार ये आते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, 4 है साथियों, कितनी है 4, इसे आप भलीभांति समझ लें 4 हैं संयुक्त व्यंजन। आप लोगों ने देखा होगा साथियों इनसे बन जाते हैं जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय बन जाता है इस तरह से, जैसे त्रय से बन जाता है, अब तमाम शब्द बन जाते हैं जैसे क्षत्रिय बन जाता है इस तरह से, क्षत्रिय बन जाता है अभी मन बना था ग, जैसे ग से ज्ञानी बन जाता साथियों, स्र से श्रम आदि बन जाते हैं साथियों। देखिए आगे दे रखा है अब कुछ और व्यंजन वर्ण हैं, जैसे उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं साथियों, हर बार पेपर में दावा ठोकते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। साथियों आपने नाम सुना होगा ढ और ढ का, हमने साथियों इनके अलग अलग वीडियो और प्रोवाइड किए हैं, आप अलग अलग भी इनको देख सकते हैं। देखिए इनके हम आपको नुक्ता चिन्ह बताएंगे कि नुक्ता चिन्ह कहाँ कैसे क्यों लगता है। देखिए आगे दे रखे हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जिभ्या या हमारी जुबान है लुढ़कती या पटकती महसूस होती है, जैसे सड़क, बोलो सड़क आता है इस तरह से, जैसे ढोलक। तो साथियों जो उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजन उनकी संख्या 2 बताई गई, ड और ढ। साथियों अब आते हैं लुंठित या प्रंकपित वर्ण कौन सा होता है,
लुंठित या प्रकंपित वर्ण। साथियों ये पूछते हैं लुंठित वर्ण कौन सा, लुंठित लुंठित या इसे प्रकंपित बोलते हैं। इस वर्ण, ये वर्ण है रे वर्ण। देखिए साथियों वे वर्ण जिससे बोलने में मुख विवरण में कंपन उत्पन्न हो जाती है। देखिए साथी बोल के देखना, रे बोलो तो रे हो रहा है बिल्कुल। देखिए साथियों अब बात करेंगे हम कंपन यानी स्वर तंत्रियों में कंपन गूंज नाद के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं। तो साथियों ये बताए गए हैं घोष और अघोष दो, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन गूंज या नाद के आधार पर स्वरों यानी व्यंजनों के भेद कितने किए गए हैं। तो साथियों ये हैं घोष और अघोष। देखिए साथियों घोष और अघोष आप लोग ये देखना, इनमें कह रहे हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है घोष कहलाते हैं, घोष या सघोष। देखिए साथियों घोष या सघोष, मैंने आपको इससे समझाया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा आपको मैंने पहले भी लिखा था और यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लिख रहा। तो साथियों प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है या सघोष होता है, इसे बोलने से घर्षण होती है। तीसरा चौथा और पांचवा साथियों इसे हम 345 भी कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे कह सकते हैं साथियों 345 घोष होते हैं। साथियों इनमें जो घोष होते हैं वो होते कौन कौन से वर्ण हैं, तीसरा चौथा पांचवा तथा ये रे लेवे, ये सभी क्या होते हैं घोष होते हैं। आगे देखना और स्वर भी साथियों सभी घोष होते हैं, इनकी संख्या 31 के आसपास बताई गई है। साथियों अब होता अघोष वर्ण। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज या घर्षण नहीं होती है, जिनसे घर्षण होती है उन्हें घोष कहते हैं और जिनमें नहीं होती है उन्हें कहते हैं अघोष। तो साथियों हमने नीचे इनको भी लिखा है। देखिए साथियों वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है ये वाला ये वाला ये जो है ये होंगे घोष वर्ण, और साथियों जो स स स ये भी क्या है घोष वर्ण होते हैं। देखिए सॉरी अघोष कैसे होंगे, अघोष। अभी हमने आपको पहले घोषों की बात की थी और अब फिर बात कर रहे थे हम अघोष की, जिनमें घर्षण नहीं होता। वर्ग का पहला कौन सा साथियों, पहला और दूसरा और सभी ऊष्म व्यंजन स स स और है, ये सब क्या होते हैं अघोष होते हैं। साथियों आपको ध्यान से समझना, कई बार इनको दे देते हैं और हमें पागल बनाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए साथियों प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर साथियों अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। साथियों हम इस वीडियो को अलग अलग भी दे सकते थे, आप आसानी से इसे बैठ करके तसल्ली से एक ही वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए हमने आपको सभी वीडियो को एक करके बता दिया है। तो साथियों जरा पीछे आना एक बार और देखिए साथियों, जैसे एक है अल्प, ये अभी देख रहे हैं हम घोष और एक है अघोष। ये देखिए इनको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 345 बटे 12 ट्रिक है इनकी, 345 बटे 12 घोष और अघोष। देखिए साथियों आगे आएंगे हम और अब आप बात करते हैं वायु यानी प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो साथियों दो प्रकार के, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष, जो मैंने पहले बताए थे आपको। देखिए साथियों पूरी वीडियो देखना, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे आसानी से समझ लेंगे तो आपके 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। देखिए साथियों अल्प प्राण, अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगता है वो होते हैं अल्प प्राण, कि वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा यानी 135 भी लिख सकते हैं इसे हम ट्रिक के माध्यम से, क्या लिख सकते हैं 135। और ये रे लेवे सभी वर्ण क्या है अल्प प्राण होते हैं, अभी हम उसमें भी बात कर रहे थे। और ये भी देखिए अल्प प्राणों में भी आते हैं ये और घोष अघोष में भी आते हैं। तो साथियों जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगता है वो 1-3-5 वर्ग के होते हैं, और यरेलेवे ये क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। देखिए साथियों हमने इनको यहाँ पे भी बनाया है, बार बार हमने आपको बना दिखाया है। तो एक यानी पहला, ये देखिए पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण होते हैं। साथियों इसे लिख देते हैं हम 135 बटे 24, क्योंकि जो महाप्राण होंगे
वो कौन से बच गए, 24 में, यानी दो और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है साथियों, आप इसे अगर दिल लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको साथियों। ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे आगे, देखिए साथियों पूरा वीडियो देखना, आगे हमने जो इनके उच्चारण स्थान है बहुत शानदार ट्रिक बताई साथियों। ये देखिए महाप्राण, जो महाप्राण जिन वर्णों को बोलते समय अधिक समय लगता है महाप्राण कहलाते हैं साथियों, इनके लिए भी हमने लिखा है। देखो काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में हमने, ये देखना आप, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और से 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 और है, ये सभी वर्ण क्या होंगे, ये होंगे महाप्राण। देखिए तो साथियों दूसरा कौन सा है, ये पूरा वर्ग, यानी पूरा वर्ग दूसरा और चौथा, ये पूरा वर्ग क्या होगा साथियों, ये होगा महाप्राण। देखिए साथियों अब आपको हम बताएंगे बहुत शानदार ट्रिक, आपने देखे होंगे उच्चारण स्थान साथियों, उच्चारण स्थान वैसे आठ बताए गए हैं, इन आठ उच्चारण स्थानों से हम कैसे निकालते हैं प्रश्न, कैसे आता है प्रश्न, वो देखना। मुख के वे भाग जिन जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ओके सर, देखिए अब देखेंगे साथियों, वैसे ये संस्कृत में सेट होने वाली बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, लेकिन हमने इसे हिंदी में सेट किया तो हमें कैसे करना है, अचानक से आपको आ जाता है ए या आ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो साथियों हमने लिखा है अकु है विसर्जने नाम कंठहा, ए का, के वर्ग का, है का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है साथियों, क्या होता है कंठ। आगे हमने इनको लिखा भी है ए आ के वर्ग पूरा और है और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, कंठ होगा। साथियों अगली लाइन है इचू यशानाम तालु, इचू इचू यशानाम तालु, ये लिखना साथियों, यानी ई दोनों ई छोटी और बड़ी और च वर्ग पूरा ये और से, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान साथियों तालु होता है। कई बार पूछ लेते हैं जो ये है ये कौन सा इनका उच्चारण स्थान है, तालु है, मूर्धा है, ये इस तरह से पूछते हैं साथियों, ये आपको हमने देखना होगा। यह साथियों ऋतु रसाना मूर्धा, यानी जिनका जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है या मूर्धा से होता है, वो है छोटी री, बड़ी री और टे वर्ग, रे और से, ये वाले रे और से है साथियों, इनको हमने अलग से वीडियो में दर्शाया, बहुत शानदार वीडियो साथियों। देखिए साथियों अगला है लिर्तु लसानाम दंत, ले और से, साथियों जो लिरी है ये हमारी हिंदी स्वरों से हटा दी गई है, ये संस्कृत में आती है, लेकिन ये जो से है ये दंती से है, ये वाला जैसे हम अपन सड़क वाला से बोलते हैं शायद कुछ बोलते हैं, ये सब गलत है, ये वाला से है ये होगा साथियों तालव्य से, और ये से वाला ये जो ये बोलते हैं हम षटकोण वाला ये होता है साथियों मूर्धन्य से, और ये जो हमने गोला में किया है ये है दंती से साथियों। आगे देखेंगे ये कुछ वर्ण है ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड के लिहाजे से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों। उपु ओष्टव, यानी उपु ओष्टव उ और पु पे वर्ग, दोनों उ और पे वर्ग साथियों, ये उपो ओष्टव यानी ओष्ठों से बोले जाते हैं, जो हमारे होठ हैं होठों से। देखिए साथियों आगे आए हैं दो दो उच्चारण स्थान हैं भी हैं, ए दे तो कंठ तालु, ए और आए इन दोनों का उच्चारण स्थान साथियों दो जगह से बोल जाते हैं, कंठ से और तालु से, ए दे तो कंठ तालु। देखिए साथी साथियों ये रखा ओ दव तो कंठोष्ठ, ओ और ओ कंठ और ओष्ठ दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, बहुत बार पूछ जाते हैं कि दो उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं साथियों, की ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक हमने पेश किया आपको। आगे दे रखा है वकारस्य दंतोष्ठ, जो केवल वह है वकारस्य दंतोष्ठ, वह जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, इसका उच्चारण स्थान होगा वह का, हो दंत का और ओष्ठ का, ये दोनों से बोलती है वह। देखिए साथियों एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उरस्व ध्वनि कौन सी होती है को हम उरस्व ध्वनि भी कहते हैं, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, देखिए आरपीएससी ने पूछा था साथियों। देखिए चाहे वीडियो कितना भी बड़ा है चाहे कितना भी छोटा है ये मायने नहीं रखता, सारे यानी पूरी वर्णमाला को हमने इसमें समेटा है साथियों। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इन प्रश्नों को हम भलीभांति देखेंगे साथियों, जरा देखना अब तक हमने जो पढ़ा क्या उसमें से मैच खा रहा है नहीं खा रहा। देखिए साथियों ये दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, देखिए ये दे रखा नीचे देखो इसे करके, इसे 360 डिग्री पर देख लेना साथियों, पूरा आपको वीडियो दिख जाएगा। ये कह रहा है पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो साथियों कितनी बताई थी 11 प्लस 33 तो कितने होते हैं 44, तो साथियों 44 इसका उत्तर हो जाएगा, अगर कहीं है तो बे उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है तो
तो इसका बे उत्तर हो जाएगा 44। अब आप देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को हम कहते हैं साथियों लिपि। क्या कहते हैं साथियों? लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई, शब्द निर्माण की जो सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? वो है साथियों वर्ण। बार बार पेपर में आता है शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। हमने आपको पहले बोला है इस तरह से वर्ण के प्रश्न आते हैं। आगे दे रखा है वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? मैंने पहला ही प्रश्न बोला था साथियों वर्णमाला, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये प्रश्न है जो बार बार पेपर में आता है। ए स्वर है, देखिए सर सर जो ए स्वर है ये कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर, अनुस्वार स्वर, अयोगवा स्वर और ह्रस्व। तो अयोगवा भी बताए थे हमने, अयोगवा तो होते हैं, देखिए अयोगवा किसको बताया था? अंग और अह, ये तो होते हैं अयोगवा। देखिए अब देखेंगे और अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार जिनके ये बिंदी लगी रहती है अनुस्वार। देखिए साथ हुए और ये कह रहा है ह्रस्व स्वर बोलते हैं जो छोटा स्वर होता है, जैसे ए ई छोटी ये साथ हुए ई ऊ और छोटी री, ये होते हैं ह्रस्व। तो ह्रस्व नहीं है, इसका मतलब कौन सा होगा? ये दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ। ए आई ओ और औ ये दीर्घ स्वर बताए गए थे, मैंने आपको पहले बताए हैं, ये देखना साथियों। आ बड़ी ई बड़ा ओ और ए, लेकिन अगर संधि के आधार पूछता साथियों इसे हम संधि के आधार पर संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। देखिए ई स्वर है, आपको साफ दिख रहा है ये मूल स्वर है, मैंने आपको लिया है मूल स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था साथियों, आपको पूरे प्रश्न मिल गए होंगे, किताब के पूरे प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। क्या आपको मैच नहीं खाए? सारे प्रश्न मैच खा रहे होंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो। पै वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान है साथियों ओ, पै पै वर्ग होता है ओष से, मैंने बोला है क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से और ट वर्ग मूर्धा से, च वर्ग और त वर्ग दंत से और पै वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है साथियों, इनका उच्चारण स्थान है। देखिए अगला प्रश्न है आठवां, जिन उच्चारण स्वतंत्रों से किया जिन यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रों से किया जाता है कहलाते हैं। व्यंजन, भाषा, लिपि, स्वर। तो साथियों क्या कहलाते हैं? गैस करिए तो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? स्वर कहलाते हैं। अब इसमें दे रखा कि व्यंजन है, भाषा है, लिपि, तो स्वर कहलाते हैं, है ना। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, जो दीर्घ स्वर है उसका उदाहरण नहीं है साथियों। आ बड़ा है दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ये देख लेना, नहीं पूछ रहा ये, कहीं आपको मिस्टेक हो जाए समझने में। तो देखिए साथियों आ तो है इसमें, बड़ी ई है ये भी है, दीर्घ स्वर की बात कर रहा है और ओ भी है ये भी है, तो री नहीं है साथियों इसमें, ये री छोटी है, तो इसमें री क्या है? ये हो जाएगा। आगे देखना साथियों यानी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार जो बिंदी होती है, तो गंगा में हुआ है क्या? देखना एक बार, दसवां प्रश्न है, तो गंगा में ये अनुस्वार है साथियों, गंगा हुआ है बिल्कुल। स्वरों की संख्या होती है साथियों 13, 12, 14, 11, तो कितने स्वर है? 11। साथियों लक्ष्य की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, परिष्कार से यानी परिष्कार की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है साथियों, इससे से हमने मैच कराया है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको प्रश्न मैच नहीं कराया है, बहुत ऑथेंटिक पुस्तकों में से एक है साथियों। ये देखिए आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो देखिए आया ना स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो 25 बताया था हमने आपको, 25 कैसे मैं तक 25 होते हैं। आगे देखेंगे साथियों व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन कितने हैं साथियों? 33 बताया था हमने, 25 तो कैसे मैं तक होते हैं, 4 अंत्यस्त होते हैं और 4 होते हैं उस व्यंजन, तो हो गए 33 बिल्कुल। गय वर्ण का निर्माण हुआ है, देखिए आया ना आपको, आपको पूरी वीडियो हमने बताई है, अगर आपने पूरा वीडियो को ढंग से देखा होगा तो साथियों आपकी भरोसी भर गई होगी, मुझे पक्का भरोसा है। देखिए ये कह रहा है गय वर्ण, गय किससे बनता है? हमने बताया था आपको गयज्ञानी जो है ये किससे बनता है, तो देखिए जो गयज्ञानी आप गैस कीजिए और आप इसे अनुमान लगाइए। देखिए जरा इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा देता हूँ, 14वां प्रश्न है, इसे देखिए आप इसका उत्तर क्या होगा। देखिए तो हमने आपको क्या बताया था, जो ये है जो गय है ये बताया था हमने, जय हलंत और ये बताया था, इस तरह से बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल, तो मैच खाया है, खा रहा होगा। देखिए साथियों इस तरह से ही हमने आपको जो वीडियो दिया है, डे और ढे व्यंजन होते हैं, आया डे और ढे व्यंजन? हर बार पेपर माता साथियों बिल्कुल उत्क्षिप्त आया शब्द, उत्क्षिप्त या ताड़न जात,
आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियों, अगर आपने पूरा नहीं देखा तो ये वीडियो का पूरा मजा नहीं आएगा। स्वर एवं व्यंजन नहीं है, स्वर एवं व्यंजन नहीं है, देखिए स्वर और व्यंजन नहीं है, देखिए इसमें जो नहीं है वो कह रहा है 16वां प्रश्न है, बड़ा अच्छे तरह देखिए। तो ए और ऊ हो, देखिए ये है अयोगवाह, नहीं है ना ये स्वरों में, नहीं है, ए आ है, आई ओ है, ये सब है, लेकिन ये अयोगवाह है, क्या है, अयोगवाह। अगला है नास की ध्वनि, साथियों देखिए प्रत्येक वर्ण का पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ण का पांचवा व्यंजन क्या होता है साथियों, अनुनासिक होता है। अब इनमें नास की ध्वनि है तो कौन सा साथियों, सॉरी ये कह रहा नास की ध्वनि नहीं है, तो मैं है, ने है और अंग है, अंग आ रहा है, ने मैं आ रहे हैं सारे, तो क्या नहीं है साथियों उसमें, देखिए हम आपको दिखाते हैं पीछे एक बार, ये देखिए, देखिए साथियों ये आया है, ये देखो कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होगा, क्या होगा साथियों, अनुनासिक होगा। देखिए साथियों आपने हमें अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, हम आपके आभारी हैं साथियों, लेकिन साथी आपका फर्ज बनता है कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके भाइयों को या आपकी बहनों को, आपके फ्रेंडों को इसका लाभ मिल जाए। साथियों थैंक यू, अपना चैनल है जीके बाय विनोद सर, इस चैनल पर हम आपको फर्स्ट ग्रेड की वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथियों फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू साथियों, हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।